नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूँ किरण राय। विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया, हम सभी जान रहे हैं। उससे पहले उसकी माँ का एक वर्जन आया था, उन्होंने अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि मेरा विकास पहले ऐसा नहीं था, लेकिन उसको गांव वालों और राजनीति ने बर्बाद कर दिया। अगर उसने इतने लोगों की हत्या की है तो उसे भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इस तरह की बात विकास दुबे की मां ने कही थी। कौन था विकास दुबे? विकास दुबे एक ऐसे शख्स का नाम है जिससे यूपी के बड़े बड़े राजनीतिक दल और बड़े बड़े लोग डरते थे, उसकी तूती बोलती थी। कैसे इस शख्स का आपराधिक जगत में पदार्पण हुआ, आइए इस पे बात करते हैं। वो 1990 की बात थी जब सोशल तौर पर समाज में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो रहा था। कहा जाता है कि विकास के पिता की किसी के साथ झड़प हो गई, दलित बनाम उच्च वर्ग की बात हो गई, उच्च जाति की बात हो गई। विकास को उस समय चौकी में, थाने में घसीटा गया, और हालांकि इसने उसी टाइम हाथापाई की, पिता के साथ जो बदसलूकी हुई थी उसका उसने बदला लेने के लिए हाथापाई की थी, झड़प की थी। पुलिस लेके गई, लेकिन रसूखदारों ने उसे उस समय बचा लिया। शायद तभी से उसे कुछ गलत करने का और वरद हस्त प्राप्त होने का एक सबक वहीं से मिल गया था। महज तब 20 साल का होगा विकास दुबे। अब आते हैं कि किस तरह से इसने मर्डर का जो एक खेल है या आपराधिक जगत में अपनी एक धौंस जमाने की जो इसने एक शुरुआत की या अपने आप को स्थापित करने का पुख्ता इंतज़ाम किया, वो किस तौर से किया। सन 2000 या 2000 का जो दशक है इसके लिए एक अपराधी के तौर पर इसका ग्राफ बढ़ने का एक दौर था। शुरुआत इसने 2000 में की। इसने अपने कभी टीचर रहे एक प्रिंसिपल, और फिर बाद में सेवानिवृत्त एक प्रिंसिपल रहे, उनको मौत के घाट उतार दिया। वजह यही थी कि वो स्कूल की ज़मीन पर एक मार्केट स्थापित करना चाहता था, उसका वो विरोध कर रहे थे। ये सन 2000 की बात है। अब 2001 में इसने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री थे संतोष शुक्ला, उनकी हत्या कर दी। और ये बहुत ही डेयरिंग हत्या थी। डेयरिंग इस सेंस में थी कि इसने शिवली जो थाना था उसमें घुस के, और इसने 5 एसओ थे वहाँ पे और सिपाही थे, 25 सिपाही थे, उनके सामने इसने उनको मौत के घाट उतार दिया। ये 2001 की बात रही। फिर आते हैं 2002 में। देखिए ग्राफ इसका कैसे बढ़ता जा रहा है। इसको सज़ा भी हुई, लेकिन फिर ये छूट भी गया। छूटा इसलिए कि वहाँ पे जो मौजूद प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने इसके खिलाफ गवाही देने से खुद को रोक लिया, और इसके खिलाफ कुछ ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। ऐसा ही 2000 के केस में भी हुआ था। दुबे नाम के एक केबल ऑपरेटर था, उसकी हत्या कर दी। ये सारी हत्याएं इसने, इसको वरद हस्त मिलता रहा अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से। हरकिशन श्रीवास्तव इसके गुरु थे, राजनीतिक शख्स थे, और उनको ये बहुत मानता था, और उन्हीं की वजह से पॉलिटिक्स में इसका ठीक ठाक दखल रहा। ये था विकास दुबे का आपराधिक रिकॉर्ड। और उसने इस बात को माना था 2017 में। उसने कहा था कि किस तरह एक केस में भगवती सागर ने उसका पूरी तरह से साथ दिया है, हालांकि भगवती सागर ने इस चीज़ को गलत करार दिया था। ये है विकास दुबे का एक आपराधिक रिकॉर्ड, किस तरह से उसने अपने अत्याचार, इतने अत्याचार किए, इतना उसने दबंगई से काम किया। और ये दबंगई, जैसा उसकी माँ कह रही है, राजनीति ने उसको बिगाड़ डाला। बिना राजनीतिक क्षय के, बिना राजनीतिक वरद हस्त के, बिना राजनीतिक समर्थन, बिना सपोर्ट के ये पॉसिबल ही नहीं था। और उसने इस चीज़ का बखूबी हमेशा इस्तेमाल किया। उसने जब जब वो जेल के अंदर गया, उसके खिलाफ कोई गवाही देने वाला नहीं हुआ, और वो ऐसे ही बाहर आके अपनी गलत नीतियों को या अपनी गलत सोच को अंजाम देता रहा। उसे किसी का खौफ नहीं रहा, क्योंकि उसने पहला, जैसा मैंने बताया, उसको सबक तभी मिल गया था जब उसको गाँव के दबंगों ने छुड़वा दिया था पुलिस के हाथ हत्थे चढ़ने से। तभी से वो बेखौफ होना शुरू हुआ था। ये विकास दुबे
की बात रही। अब सवाल मर्डर पे उठ रहे हैं। मर्डर कहना यहाँ पे शायद सही नहीं है, एनकाउंटर, सो कॉल्ड एनकाउंटर पे उठ रहे हैं। इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अभी ही जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कुछ देर पहले ही एक ऑडियो वायरल हो रहा है जो कि मध्य प्रदेश पुलिस का है, किसी उच्च अधिकारी का, उसमें नाम बताया जा रहा है, जो कि कह रहे हैं कि उम्मीद है कि वो उत्तर प्रदेश नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं, ये तो राजनीति जो करते हैं वही ठीक तरह से बता सकते हैं, लेकिन सवाल तो उठेंगे ही। और इसके साथ साथ राजनीति भी तेज हो गई है क्योंकि राजनीतिक मामला है इससे जुड़ा हुआ। तो अखिलेश अलग राग अलाप रहे हैं, उन्होंने कहा है इसलिए पलटी गाड़ी, इसलिए पलट गई क्योंकि पलटने से सरकार के पलटने का खतरा जो है वो टल गया। जयंत चौधरी भी कह रहे हैं कि किसको छुपाने की कोशिश हो रही है और ये न्यायाधीशों को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जस्टिस एक तरह से जब आप किसी को इनकाउंटर बार बार कर रहे हैं, किसी अपराधी को बिना उसको कोर्ट में जाए हुए, बिना उसकी दलील सुने हुए आप उसको अगर इस तरह से इनकाउंटर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पुट करता है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह तो बोल ही रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि यूपी से वो निकलकर वो महाकाल के दर्शन के लिए आया और फिर यहाँ पे उसने सरेंडर किया। तो इस तरह की राजनीति बातें होती रहेंगी, लेकिन हम और आप और जो भी इस सिस्टम को समझते हैं वो अच्छी तरह से बूझते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि बिना राजनीतिक श्रेय के यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। एक अपराधी की अमर बेल इस तरह से नहीं बढ़ सकती, इस तरह से वो फ्लरिश नहीं कर सकता, इस तरह से वो फल फूल नहीं सकता। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।